नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल देसी रसोईया बाई अलका में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाढ़े की कड़ी, इसको कतली कड़ी भी बोलते हैं, कतली की कड़ी, और इसको रसाज भी कहते हैं। बताते हैं इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमने दो कटोरी बेसन लिया है, इस कटोरी के अंदाज से एक चुटकी हमने हींग ली है, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, एक आधी चम्मच नमक लिया है और पानी लिया है घोल बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घोल तैयार करेंगे। हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे और इसको बेसन को घोल लेंगे। इसमें एक कटोरी पानी लेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल बन के तैयार हो गया है। हमने दो कटोरी बेसन था, हमने एक कटोरी में चार कटोरी पानी डाला है, इस तरीके से हमने आठ कटोरी पानी लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म करने रख देंगे, चारों तरफ तेल लगा देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हमने जो घोल बना के रखा था इसको डाल देंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे इसमें गांठे ना पड़े। गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे नीचे ना लगे। घोल गाढ़ा होने लगा है, घोल गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हमने एक थाली ली है, इसमें हम तेल लगा लेंगे। अब इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे थाली में। इसको अच्छे से फैलाएंगे। इस तरीके से हम मिश्रण को पूरी थाली में फैला देंगे और ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। घोल ठंडा हो चुका है, अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। इसको पतले पतले और लंबाई में काटेंगे। इस तरीके से हम पीस कर लेंगे पूरा। इसी तरीके से हम सारे पीसेस करके तैयार कर लेंगे। हमने सारे घोल को कट करके रख लिया है इस तरीके से। अब इनको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसको हम हाई फ्लेम पर ही दाढ़ों को सेकेंगे। जब तक ये सिक ना जाए हल्के हल्के, तब तक इनको हम चलाएंगे नहीं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक तरफ ये सिक गए हैं, अब इनको हम पलट देंगे और हल्के हल्के इनको इस तरीके से चला देंगे जिससे ये अच्छे से सिक सके। इनको हल्का हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे।
दाढ़ें फ्राई हो चुकी हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी दाढ़ें सेक लेंगे। दाढ़ें सेक के तैयार हो गई हैं। अब हम इसके लिए हम घोल तैयार करेंगे। हमने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और इसमें हम एक चमचा तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम आपको बता दें कि हमने इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री ली है। हमने हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर है और जीरा है, मेथी दाना है और हमने एक चौथाई चम्मच हींग ली है और इसमें हमने 3 गिलास मट्ठा लिया है और हमने आधा कटोरी बेसन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम हींग डाल देंगे। एक चम्मच हम जीरा लेंगे और एक चौथाई चम्मच हम मेथी दाना लेंगे और इसको हम चला देंगे। हमने एक चम्मच हल्दी डाल दी है, अब हम इसमें हम घोल डाल देंगे। हमने आधा कटोरी बेसन घोल दिया है, अब हम ये घोल कढ़ाई में डाल लेंगे और बराबर चलाते रहेंगे इसको। तो हम जब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। कढ़ी में उबाल आने लगा है, अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। कढ़ी बनके तैयार हो गई है, इसमें मलाई पड़ चुकी है ऊपर, इसका मतलब कढ़ी बन चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से दाढ़ें डाल देंगे। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और कढ़ी बनके तैयार हो गई है। कढ़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। दाढ़ों की कढ़ी देसी स्टाइल में बनके तैयार हो गई है। आप इसे चावल चपाती के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाइए और खाइए और अपने अनुभव देसी रसोईया बाई अलका में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।